हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आर्ट का मैंने ओपन कर लिया है, और आर्ट के में ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू मॉडल ले लेते हैं। ठीक, न्यू मॉडल लेने के बाद ओके कर लेते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे देखा था टू रेल स्वीप का ऑप्शन। ठीक, टू रेल स्वीप के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्रूड वाले ऑप्शन के बारे में। स्क्रूड जो टूल है उसका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है, इस टूल के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ऑप्शन का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं, कोई भी मेरे पास लाइन है या फिर वेक्टर है, उसके उससे जितना mm अंदर या आउटवर्ड कोई डिजाइन को क्रिएट करना है, और या फिर मॉडल इस टाइप में बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मेरा एक यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है, ऐसे में यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने ले लिया है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर में 30 mm अंदर मैंने एक और रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमको कोई लाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे में कोई भी यानी कि डिजाइनिंग लाइन, तो हम लोग वहाँ पे उसके लिए जिस टाइप का डिजाइन हमको बनाना है, तो वैसा हम लोग लाइन ले लेते हैं पहले। जस्ट लाइक हमको समझिए कि ऐसा कुछ करके डिजाइन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कुछ है मेरा डिजाइन। ठीक है, इसको नोड एडिटिंग पे जाके थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्मूथ कर लेते हैं, एस बटन दबा के हम लोग स्मूथ करते हैं। तो डायरेक्टली आप माउस का एस बटन दबा के भी स्मूथ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ जिसको स्मूथ करना है वहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे स्मूथ वाले ऑप्शन से भी स्मूथ कर सकते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई मेरा कर्व, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई मेरा डिजाइन है, ठीक है, इस साइज में हम चाहते हैं कि इसके इन साइड में या फिर इसके आउट साइड में डिजाइन बने मेरा। तो सब मेरा प्रोजेक्ट वाला विंडो चला गया, तो उसको पहले ला लेते हैं। प्रोजेक्ट वाले विंडो को लाने के लिए टूल यहाँ विंडो में आके टूल बार एंड डॉकिंग विंडोज में आके यहाँ से आप प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी यहाँ से ला सकते हैं आप। अब देखिए, हम यहाँ पे स्क्रूड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए, स्क्रूड वाले पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी मेरा यहाँ पे ड्राइव रेल रहेगा, मतलब वेक्टर जिसके क्रॉस हमको डिजाइन बनाना है, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव रेल तो आपको ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो रेल सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें, फिर उसके बाद मिलता है हमको स्टार्ट प्रोफाइल। तो हमको जिस डिजाइन जो भी डिजाइन बना रहेगा उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट प्रोफाइल पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिजाइन जैसा है वैसा मेरे को बनता हुआ। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसा मेरा जिस साइज में डिजाइन था उस साइज में यहाँ पे आपको डिजाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब इसी को हम मतलब ऊपर में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये ऊपर ये उठा हुआ डिजाइन दिख रहा है, यदि हम इनसाइड में चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्ट कर इन जेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसाइड चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कोई मतलब शुरू में कुछ और डिजाइन चाहते हैं और लास्ट में कुछ और टाइप का डिजाइन चाहते हैं, जस्ट लाइक हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि एक मतलब एक और हम कर्व लेके बता देते हैं आपको। लास्ट में हम सिंपल नॉर्मल ऐसा कर्व चाहते हैं। ठीक है, ऐसा शुरू से स्टार्ट ऐसा से हो लेकिन लास्ट में ऐसा मेरा आके हो जाए, तो उसके लिए आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एक बार जेड कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे पहले लाइन बना लेते हैं। ओहो, कंट्रोल जेड, बना लेते हैं लाइन। जो भी दूसरा सेकंड वाला जो इंड प्रोफाइल के लिए हमको चाहिए, उसके लिए भी एक वेक्टर बना लेते हैं। मस्ट मस्ट हमको इंड में ऐसा चाहिए। ठीक है,
सिंपल, और स्टार्टिंग मेरा इससे या ऐसे टाइप से हो और एंड मेरा ऐसे कर्व में जाके हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर स्क्रूड पे आएंगे, स्क्रूड वाले ऑप्शन पे, और जिस लाइन के हिसाब से चाहिए उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शेप पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग हमको इस टाइप डिजाइन से करना है, तो इसको सेलेक्ट करके उसके बाद स्टार्ट प्रोफाइल पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और इंड प्रोफाइल पे इसको दूसरे वाले को सेलेक्ट करके इंड प्रोफाइल पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंड प्रोफाइल मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करते हैं, देखिए स्टार्टिंग मेरा यहाँ से हुआ है, तो नॉर्मल देखिए वो वाला डिजाइन जो मेरा फर्स्ट वाला था उसके अनुसार यहाँ से ऐसे शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे लेकिन धीरे धीरे लास्ट होते गया है, और लास्ट में क्या कम कम कमते कमते यहाँ पे आके मेरा देखिए इस वाले साइड से पूरा राउंड ऐसे हो गया है, ठीक है। तो इस ऐसा मतलब स्टार्टिंग कुछ और डिजाइन से और लास्ट में कुछ और कर्व टाइप में बनाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसको इसमें और ऑप्शन का यहाँ पे यूज है। जैसे मैं अब इसमें भी हम लोग यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं, मर्ज लो कर सकते हैं, और रिप्लेस वाला ऑप्शन जो जितने जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे क्या टू रेल स्वीप का जो मेरा वीडियो था उसमें हमने बता रखा है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे करते हैं। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो पीछे वाला वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं टू रेल से स्क्रूड वाले ऑप्शन का, ठीक है। तो उसके बाद एक इसमें है कि हमको जो लाइन है इसके दूसरे साइड मतलब यहाँ से इस साइड हमको ना रस डिजाइन चाहते हुए दूसरे साइड चाहिए होता है, तो इसको उस दूसरे साइड ले सकते हैं, जैसे कंट्रोल जेड मैंने कर लिया पहले, जैसे मैं मेरा डिजाइन है इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये मेरा प्रोफाइलिंग डिजाइन है तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमको डिजाइन इस साइड इस मतलब लाइन के इधर ना चाहते हुए दूसरे साइड अपोजिट साइड चाहिए, तो यहाँ पे यूज अदर साइड पे क्लिक करेंगे तो दूसरे साइड मेरा वो सेम डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे दूसरे साइड वही टाइप का डिजाइन मेरा बन पा रहा होगा। और सेंटर लाइन में चाहते हैं तो सेंटर लाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा लाइन रहेगा उसके बीच में वो डिजाइन बनेगा बिल्कुल, और यहाँ पे क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर पर करेंगे तो उस सेम चीज़ का स्क्वायर कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे इसका क्या यूज है, ठीक है। तो स्क्रूड वाले ऑप्शन को आप अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।